हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। एचएसबीसी के अंडर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो सीएससी का पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज निकली है और अर्जेंट बेसिस पे ये वैकेंसीज है। ओके, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, आपको सिर्फ वहां पे जाके अप्लाई करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वालिफिकेशन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी, ओके, और इंटरव्यू कैसा होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो इंटरव्यू जो होने हैं इनके, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट दे दिया है कि कोविड की वजह से, जब से कोविड का शुरू हुआ पेंडेमिक, जब से है लॉकडाउन थे तब से अभी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने चालू की है, तो ऑनलाइन इंटरव्यूज होने के ही चांसेस है। उसके बाद में क्या क्या आपकी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। यस, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का ये पोस्ट है जैसे मैंने आपको बताया, तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको कस्टमर्स को हैंडल करना है, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको आंसर करने हैं कॉल्स फ्रॉम आवर एचएसबीसी जो भी कस्टमर्स होंगे इन पोलाइट फ्रेंडली वे, ओके। उसके बाद में उनके जो इश्यूज होंगे वो आपको हैंडल करने हैं, उसको सॉल्व करने हैं, कांटेक्ट करना है, ओके। उसके बाद में डिलीवर व्हाट इज प्रॉमिस जो भी आपने किया है इन लाइन इन टाइम, ओके, जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस होंगे। उसके बाद में ऑफर्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स एनालिसिस, ओके, एंड कस्टमर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। प्रोवाइड्स एक्सलेंट कस्टमर सर्विस जनरेटिंग कस्टमर लॉयल्टी। उसके बाद में ओन्स एंड रिजॉल्व इश्यूज, अंडरस्टैंड हाउ टू एस्केलेट, ओके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप अप्लाई करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ के जाना, आपको वो उसी हिसाब से जज करेंगे, ओके। उसके बाद में क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन एज सच, एक ही स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि मस्ट हैव एजुकेटेड स्टैंडर्ड टू एटलीस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा। तो आप ग्रेजुएट हो अप्लाई करो, ओके, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन उन्होंने नहीं बताया है, एंड बी ऑफ अ लीगल वर्किंग एज। उसके बाद में कुछ बेसिक स्किल्स उन्होंने यहाँ पे लिखी है, जैसे कि टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल स्किल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आप शिफ्ट वर्क के लिए भी काम आप करना चाहिए। उसके बाद में टेक्स प्राइड इन डिलीवरी व्हाट इज प्रॉमिस्ड इन लाइन टू द कस्टमर और सर्विस एक्सपेक्टेशन, पेशेंस, एम्पथी, ओके, जो भी काम के रिलेटेड चीजें है, बीइंग अ प्रोफेशनल, बाद में प्रोफिशिएंसी विद द पर्सनल कंप्यूटर, बेसिक जो ऑफिस एक्सेल्स वो आने चाहिए। उसके बाद में एक चीज उन्होंने और एक बताई है कि ड्यू टू द अर्जेंट हायरिंग नीड कैंडिडेट्स विद इमीडिएट राइट टू वर्क लोकली एंड नो रिलोकेशन नीड विल बी प्रायोरिटाइज्ड, ओके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे दिया भी है कि एशिया, अलग अलग इंडिया, कर्नाटक, बैंगलोर वगैरह सारी प्राइमरी लोकेशंस वगैरह, खैर बात की चीजें हैं, ओके। फुल टाइम है ये जॉब, कॉल सेंटर जिसका जॉब फील्ड है। अप्लाई करना है तो यहाँ पे भी एक लिंक है और टॉप पे भी एक लिंक उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड की है। सो यस, जाके अप्लाई करो, बाकी एचएसबीसी के बारे में भी पढ़ लेना, ओके। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दिया, बाकी जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट, प्राइवेट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सेक्टर्स कहेंगे आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे रेगुलरली ऑफिशियली, ओके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो चैनल को, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।